ऐसा लग रहा है कि सामने ना स्नोफॉल हो रही है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। उधर से जाना है, यहाँ से गिर रहे तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आज हमें ले में आए हुए फाइव डे हो गए हैं, फिफ्थ डे आज, और चादर ट्रैक का हमारा आज सेकंड डे है। तो आज हम हैं सुमो नाम की जगह पे, जैसे मैंने रात को बताया था आपको, इससे पहले वीडियो में बताया था। अभी हम जा रहे हैं टिब केव, जो यहाँ से 13 से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और उसमें लगेंगे अप्रोक्सीमेट 6 to 7 hours। रात को नींद थोड़ी ऐसे टूट टूट के आई, कंटिन्यू नहीं आई, क्योंकि ठंड भी थी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर -15 से -20 के बीच में था, और स्लीपिंग बैग का फर्स्ट डे था तो थोड़ा इसने अच्छे से नींद नहीं आई है। अभी हम जा रहे हैं, सब लोग रेडी हो चुके हैं, आपको दिखाते हैं, सब लोग रेडी हैं, और जो हमारी टेंट पैकिंग हो रही है, और ब्रेकफास्ट सब लोग कर रहे हैं, तो पूछते हैं ब्रेकफास्ट कैसा है कैसा नहीं है लोगों से। तो जैसे कि दिलीप जी, दिलीप भैया कैसा लग रहा है ब्रेकफास्ट आपको? बढ़िया लग रहा है, जीना जीवन जीने का तरीका है। क्या चीज़ है ब्रेकफास्ट में? ब्रेड है, ऑमलेट है, और चाय। चाय ठीक है, बढ़िया है, तो लेकिन वेज वालों के लिए दिक्कत है थोड़ी। हाँ, वेज वालों के लिए सिर्फ ब्रेड का ऑप्शन है अभी ब्रेकफास्ट में। तो जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, वो है ब्रेड का, तो वही खाएँगे। और ये गलत बात है वैसे, सिर्फ ब्रेड से हम पूरा 4-5 घंटे का लंच तक हम ऐसे चलना पड़ेगा, हमें अपने पास जिसके पास जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अभी अब चलते हैं और आप लोगों को रास्ते का व्यू दिखाते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। तो दोस्तों फाइनली हम स्टार्ट चल पड़े हैं यहाँ से सुमो से, और अभी हमें जाना है टिब केव। तो ये रात में हमारे टेंट मेट थे, हमारे प्रिय मित्र, इनको सांस लेने में परेशानी हो गई थी। तो क्या भाई साहब, अभी आप ठीक हो? हाँ ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ा सांस भी चढ़ रहे हैं, और कूल टेम्परेचर तो लो है ही। भाई को रात को बड़ी मुश्किल से गर्म पानी वगैरह दिया, थोड़ा सा अच्छे से कवर किया, तब जाके थोड़ा काम चला, वरना बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी और सैचुरेशन भी ड्रॉप हो गई थी, सैचुरेशन 60 तक चली गई थी भाई की। और अभी हम चलते हैं, देख सकते हो आगे पूरी लाइन कतार में लोग चल रहे हैं, और इधर अभी थोड़ा बर्फ कच्चा है, और हमें ये पेंगुइन वॉक करना है, मतलब पैर उठाने नहीं है और ऐसे चलना है, तभी आप चल सकते हो। इस साइड में पानी, कितना बेहतरीन व्यू है दोस्तों। अभी हम चलते हैं आगे, फाइनली कवर कर लिया है, कहीं से भी हवा जाने की गुंजाइश नहीं रखनी है। हाँ लाइन लाइन बना के चलो, कम से कम 10 फुट का डिस्टेंस। हाँ आपको लग रहा होगा उबड़ खाबड़ जैसा लग रहा होगा, तो उसका कारण ये है कि जो ये लहर है, ये लहर आते आते जम गई है, दिखाई दे रहा आपको? समझ लो कितना ठंड होगा यहाँ पर कि लहर आते आते जम गई है यहाँ पर। ये देखो दोस्तों, ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या बताऊँ, हवा बहुत तेज़ चल रही है, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये भी है। ये देखो सामने से पहाड़ों के बीच से हवा आ रही है पूरी तेज़, और इतनी तेज़ लग रही है ना, क्या बताऊँ। और जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये पीला, ये कोई स्टोन नहीं है, ये बर्फ़ है, ठीक है बर्फ़ है ये, बट क्या हुआ है कि बर्फ़ जमने के बाद जो पहाड़ों से मिट्टी आ रही है वो इस पर गिर गई है, जिसकी वजह से पूरा ही मिट्टी मिट्टी हो गया, और देख सकते हो थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड भी हो रखा है, पत्थर वगैरह गिरे दिखाई दे रहे होंगे आपको, और क्रैक आ रखा है ये देखो। ओ भाई 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 भाई, आराम से, लैंडस्लाइड भी है। क्या है ना कि बर्फ़ पे तो फिर भी ये लोग चीज़ फिसल जाती है, बट मिट्टी में ये बहुत मुश्किल हो जाता है खींचना, ये भाई लोग हमारे लिए कर रहे हैं,
इतना वेट उठा के लेके जा रहे हैं हमारे खाने के लिए, और किसी किसी का जो अपना वेट बियर नहीं कर सकता है लगेज का, वो लेके जा रहे हैं। तो इनका बहुत जरूरी काम होता है हमारे, इनके बिना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। खाना, टेंट, स्लीपिंग बैग ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और बेचारे ये लोग लगे रहते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ताजी ताजी बर्फ गिरी है ये। और इसके नीचे से पानी बह रहा है, नदी बह रही है इसके नीचे से, क्योंकि वहां से पानी आगे निकल रहा है बैक साइड में। भाई ये सब लोग यहाँ पर मत डाल के जाया करो, ये लंच बॉक्स निकला भाई, ये साइड में लग गया। इसको पॉकेट में रखते हैं हम, और आगे डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पे फंसा लिया हमने इसको, ये ऐसा वेस्ट ना डाल के जाए बीच में, तभी चादर नहीं बन पा रही है। ऐसे नेचर का असंतुलन बना रहे हैं सब लोग। यहाँ पर बहुत सारे लोग थक के बैठ गए, पानी देखो भाई कितना, एक साइड बर्फ है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, और साइड में पानी निकल रहा है। पानी दे रहे हो कितना क्लियर, नीचे से पत्थर दिखाई दे रहे दोस्तों, इतना क्लियर पानी। मतलब दिल्ली में ये पानी मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, ऐसा पानी पीने को नहीं मिलता यार, इतना साफ पानी दो। और यहाँ पर देखो नदी में जा रहा है भाई, चोट तो नहीं लगी भाई, इसको शूट करने जा रहा था मैं, गिरे हुए को चलो खुद ही गिर गया। चोट तो मेरे भाई को चोट लग गई, जूते जूते उठा लिए, हाथ लग गया यार तेज, मेरा घुटना लग गया, कोई बात नहीं मैं तो जान दे दूंगा, अरे हाथ लग गया तेज। मेरे गॉगल्स दे दो भाई, यार इसको शूट करने जा रहा था मैं, गिरे हुए को मैं खुद गिर गया। पहला फॉल चादर में कैसा लग रहा है, गिर गए भाई हाथ, पहले कमर की बैंड बजी हुई थी, अब पता नहीं क्या ही होगा आगे चलते चलते। दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको कैसे बिल्कुल शीशे की तरह, भाई ऐसा लग रहा है कि सामने ना स्नोफॉल हो रही है, शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा वाइट वाइट। तो अगर स्नोफॉल हो गया ना तो एक तरह से तो मज़ा भी है बहुत यार, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने स्नोफॉल होती हुई देखी नहीं है। तो चादर ट्रैक पे अगर हमें स्नोफॉल होती हुई मिल गई तो बात ये अलग है, बट उसका एक दूसरा नेगेटिव पार्ट भी क्या है, अगर स्नोफॉल ज़्यादा हो गई तो हमारी जो चादर बनी है ना ये पूरी पिघल जाएगी, और फिर रास्ता नहीं मिलेगा हमें चढ़ने के लिए, चलने के लिए। जहाँ पर पत्थर होंगे तो वहाँ से तो हम ऐसे चढ़ पाएंगे पत्थरों से, बट जहाँ पर वो भी नहीं होंगे तो फिर कोई रास्ता नहीं है। बट लग रहा है कि 100 में से 99% स्नोफॉल है सामने, देखो वाइट वाइट आपको दिखाई भी दे रहा है ऊपर पहाड़ पे। तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा, अभी मैं पूरा कवर कर लिया क्योंकि हवा और भी ज़्यादा तेज चलने लग गई है। ठीक है, ये दिख रहा है नीचे पानी चलता हुआ, तो आगे स्नोफॉल हो रहा है। तो दिलीप जी का ये आज अब की बार फर्स्ट ट्रैक है मैडम, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटमेंट थी और अभी भी बहुत एक्साइटमेंट है, इतना चल रहे हैं, ठंड इतनी ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा बर्फ भी गिर रहा है, अच्छे दोस्त हैं साथ में, तो मजा आ रहा है। आप जैसा सोच के आए थे वैसा एंजॉय कर पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल वैसा एंजॉय कर पा रहे हैं भाई। तो दिलीप जी हमारे पेशे से इंजीनियर है, मतलब इंजीनियर करके MBA की हुई है ना? हाँ जी। और अभी क्या कर रहे हो आप? अभी मैं PSU में हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो भाई ऐसे ही ऐसे ट्रैक्स का यही तो मजा है कि आपको अननोन लोग मिलते हैं और वो फैमिली की तरह बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। ट्रैक्स पर जब भी आए, सोलो आए साथ बना के आते हैं तो उन्हीं के साथ पूरा टाइम व्यतीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ऐसे आते जैसे मैं देखिए विकास भाई, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओ भाई ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। आपने करना थी, मैं प्रेस करता हूं, मेरे को दे दो।
मुंह में से भी ब्लीडिंग आ रही है क्या? नाक कट गया होगा थोड़ा। ठीक हो सर? वैसे आप ठीक हो ना? वायरस देना है। उधर से जाना है, यहाँ से गिर रहे सब लोग, इधर से जाना है। तो अभी भैया गिर गए थे, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गया है, तो ध्यान से चलना है आप लोगों को, ताकि इनको खूब ब्लीडिंग हुआ है, अभी बैंडेज वगैरह लगा दिया है। आओ मनोज जी। घुटने में लग गई, ज्यादा लग गई, लग गई। तो भाई यहाँ से नहीं जाना है, ये बिल्कुल चिकनाहट का रास्ता, उधर से जाना है सब लोगों को, ठीक है? तो ऐसे बीच में जहाँ से बहुत ज़्यादा आपको स्लिपरी लग रहा है वहाँ से नहीं जाना है, उधर से जाए। दिस इज द मोस्ट डेंजर एरिया, यहाँ पर ऑलरेडी 3-4 लोग गिर चुके हैं, चोट भी लग चुकी है, तो थोड़ा ध्यान से बेबी स्टेप की तरह हमें रखना पड़ेगा पैर, आराम आराम से। बहुत आराम आराम से जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर पैर फिसल गया हम उधर भी जा सकते हैं, बहुत ज्यादा स्लिपरी है। आराम से वाइट पे, वाइट पे, वाइट पे, वाइट पे, वाइट पे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम से, आराम से, आराम से, राम 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 से। भाई बर्फ टूट रही है बकायदा, पूरा बहुत ही इस तरह बुरा हाल हो रखा है यार, अभी यहाँ पे तो डर लग रहा है। भाई भाई एक सेकंड, शिट मैन। भाई आराम से यार, पानी नीचे चल रहा है, गैप बना के चलो यार, भाई गैप बना के, एक के वजन से फिर भी बच जाएगी चादर, ज़्यादा वजन हुआ तो टूटने का रिस्क ज़्यादा है। चलो चलो, मैं तो 10 फुट का गैप रखूँगा भाई। सर थक गए आप? कहाँ से आए हो? मुंबई से। कैसा लग रहा है? हाँ? कैसा लग रहा है? क्यों आए हो ऐसे? ऐसा लग रहा है, क्यों आए हो? मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, रेस्ट करो और आ जाओ। ये देखो दोस्तों, यहाँ से ना पूरी चादर टूट गई है, दिखाई दे रहा आपको, और यहाँ पे साइड में नदी है, ये भी कभी भी टूट सकती है, यहाँ से देखो टूट भी गई है, जहाँ पर हम खड़े हैं देखो पूरा, तो ये पूरी बर्फ़ की लेयर टूट जाती है एकदम, तो रिस्की है, ऐसा नहीं है, अभी तक हमने सोचा था कि देखते क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इट्स सो मच रिस्की, स्पेशली यहाँ पर देखो, थोड़ा सा और ये टूटा तो हम सीधा पानी है पूरा का पूरा, इधर से भी टूट गया, इधर से भी नहीं है, इधर से चल रही है जंसकर और हम बीच में से चल रहे हैं, तो इस सो मच रिस्की भाई। बोलते ये पोर्टर के सिर्फ पैसे दिखाई देते हैं, बट जो इसके पीछे की मेहनत और रिस्क है ना, वो कोई नहीं देखता, देख रहे हो आप,
टू मच डिफिकल्ट। तो सोचो ये थोड़ा सा और प्रेशर लगे तो साथ में इनको भी ले जाएगा, तो इट्स सो मच रिस्की। ये बात भाई, ये बात। आराम से आराम से आराम से आराम से भाई, गिर भी गया यार। हमें भी यहाँ से मैन, हम गिर गए थे इसलिए वीडियो बंद करनी पड़ी। ऐसे ही गए थे, पूरा ही टूटा पड़ा चादर, देखो मैं दिखाता हूँ, पूरा चादर टूट गया है। तो इट्स सो मच रिस्की। पूरा चादर टूट गया। कभी भी कहीं भी क्रैक आ सकता है। ये दिलीप जी हमारा झंडा फहराते हुए, जय हिंद जय भारत। भाई ऐसा लग रहा ना झंडे को देख के, एक अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है ना, क्या ही बताएं। और चादर को देख के उतना ही डर लग रहा है। कई जगह पे तो इतने क्रैक्स हैं, क्या ही बताएं। ये देखो यहाँ जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा हूँ आपको क्रैक, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। दिख रहा है, तो दोस्तों ये वन ऑफ द लोकेशन है जहाँ अभी हम रुके हैं, ठीक है। सामने से वाटरफॉल होता दिखा दे रहा हूँ आपको, जो वाटरफॉल है वो जमा हुआ बिल्कुल, ठीक है। और बहुत ही सुंदर लग रहा है, सब लोग यहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए रुक गए हैं। और यहाँ तक के लिए बहुत ही ज़्यादा थकावट वाला था, कई बार गिरे, चोट लगी, दर्द भी कर रहा है, कमर में ऑलरेडी चोट थी, कुछ और लग गई। तो अभी कह रहे हैं सिर्फ 15 मिनट्स का रह गया है, जो टिब्बा जहाँ पर हमारा कैंप लगा है, तो 15 टू 20 मिनट्स और हम चलेंगे फिर अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। तो अभी यहाँ पर फोटो वगैरह क्लिक करेंगे और आप लोगों को भी दृश्य दिखा देता हूँ, कितना बेहतरीन है यहाँ का दृश्य। तो भाई फाइनली 7 घंटे चलने के बाद हमें कैंप साइट दिखाई दे रही है, वो देखो कैंप साइट के सामने इतना सुंदर नज़ारा, पर उतना रिस्की भी क्योंकि उतना ही आगे नैरो होता जा रहा है। जब 2019 में चादर टूटी थी तो इसी रस्सियों को पकड़ के क्रॉस किया गया था, ये रस्सियां उसी के लिए बांधी गई है। तो दोस्तों फाइनली वी रीच्ड आवर सेकंड कैंप साइट, दैट इज कॉल्ड टिब केव या फिर टिब्बा। वहाँ हमारे टेंट लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और सामने इतना सुंदर नज़ारा है जांस्कार का, क्या ही बताएं आपको। और प्रोटेक्शन के लिए बीजे पत्थर भी है कि जांस्कार अगर थोड़ा बढ़ने लगे तो थोड़ा पानी को कंट्रोल कर लेंगे पत्थर। बहुत ही मुश्किल से पहुँचे, अप्रोक्सीमेट लग गए हैं 7 से 8 घंटे यहाँ पर पहुँचने के लिए। अभी हम जाएंगे अपने टेंट्स में सामान रखेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, डिनर करेंगे और फिर सोएंगे और कल जाएंगे हम अपनी लास्ट मंजिल। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो वीडियो ओए होए ओए होए ओए होए झूले 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 ओ पहले वीक खुश हो या दूसरा वीक पैग लाया तीजे भाई ते तेरी याद आ गई तीजे वीक तेरी याद आ गई।